नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि सरकारी कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले, 3% बढ़ चुका है DA, एरियर देने की भी हो गई है घोषणा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्रीय कर्मचारी के वेतनमान में फैसला लेना है। इसे भले देरी हो रही हो, लेकिन ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल में बड़ी खुशखबरी दे दी है। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है और वर्ष 2021 के अंतिम महीने में सरकारी कर्मचारियों की लगातार खुशखबरियाँ आ रही हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी, सभी की सैलरी में बम्बर इजाफा हो गया है। नए साल में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। 7th पे कमीशन से जो नई न्यूज आई है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की गैर भाजपा शासित प्रदेशों के बाद एक और गैर भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के DA और DR में 3% का इजाफा किया है। ओडिशा सरकार का ये फैसला 1 जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा और सरकार ने यह भी घोषणा की है तो सरकार कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दोस्तों, बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के DA में 31% की बढ़ोतरी की थी। अब इसे क्रम में चलते हुए ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने भी कर्मचारियों के DA और DR में इजाफा किया है। अब ओडिशा के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31% DA और DR का लाभ मिलेगा। ओडिशा सरकार के कर्मचारियों के DA में भर्ती की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है। CM ने राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस फैसले से ओडिशा राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों को वित्तीय लाभ होगा। दोस्तों, ओडिशा राज्य के नवीन पटनायक सरकार ने 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों को 30% का एरियर देने का भी फैसला किया है। कर्मचारियों को जनवरी 2016 से पहले अगस्त 2017 के बीच बढ़े हुए वेतन का 50% बकाया मिलेगा और राज्य सरकार के 6 लाख कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ होगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 33% DA मिल रहा है, जिसमें 1% की और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि सितंबर 2021 तक महंगाई भत्ता 33% हो चुका है और इसमें 1% का इजाफा होने की उम्मीद है। हालांकि यह महंगाई भत्ते की आंकड़ों पर ही निर्भर करेगा। दिसंबर 2021 तक का CPI का आंकड़ा 125 रहता है तो महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा, तब केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाला DA बढ़कर 34% हो जाएगा। इस तरह केंद्रीय कर्मचारी की जनवरी की सैलरी में पैसा बढ़कर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।